तो भाई जल्दी हमें इंडियन मार्केट में सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F34 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियल यहाँ पे इन्होंने टीज करना स्टार्ट कर दिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M34 लॉन्च हुआ था। हूबहू यही फोन है, सेम डिटो सेम हमें वही देखने को मिल जाता है। हल्की इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, कब तक ये लॉन्च हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी स्पेसिफिकेशंस पे चर्चा कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हमें SDI10 का सपोर्ट, वाइड बन 11 सर्टिफाइड देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे हमें पुराने जमाने वाली एक वाटरडॉग नॉस देखने को मिल जाती है। बात करें कि प्रोसेसर के बारे में, भाई यहाँ पे हमें घर की खेती एक्जोनोस 1280 वाला प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप, LPDDR4 की रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर ठीक ठाक है, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, क्योंकि सैमसंग के जो फोन्स होते हैं वो कभी गेमिंग को टारगेट करते ही नहीं है। तो अगर आपको गेमिंग करना है तो ये आपके लिए तो ही नहीं, लेकिन अगर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कॉलिंग वॉलिंग करना हो तो उसके लिए बेटर है। बात करें कि कैमरा सेटअप के बारे में, तो भाई यहाँ पर मैं बैक में 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, जहाँ पे OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण चुटपुटिया देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे हमें 13 MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि बैटरी और चार्जर्स के बारे में, तो भाई यहाँ पे हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और ये जो फोन, ये 25 वोल्ट की सुपर फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट नहीं है, हाँ थोड़ा कुछ फास्ट है, फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि हमें डब्बे में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और One UI 5.1 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाता है। वही पूरे इसमें हमें 4 साल का OS का अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट, मतलब 13 पैक का 14, 15, 16, 17 का देखने को मिलने वाला है और 5 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट, भाई एकदम क्रेजी काम है। बात की जाए सेंसर्स के बारे में, तो भाई यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे हमें हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, यानी 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और 1 MSD कार्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। बात करें बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो भाई लगभग जो सैमसंग की डिजाइन लैंग्वेज आती है वैसे देखने को मिलता है। साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है, बैक पैनल प्लास्टिक का है, और देखिए प्लास्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते। तो अगर आप फोन बाय करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूर कवर या केस जरूर परचेस कर लेना है, क्योंकि भाई डब्बे में कवर, केस ये सब भी हमें नहीं मिलता है। अब बात करते हैं तो ये इंडियन मार्केट में कब लॉन्च हुआ, तो देखिए आप समझ सकते हो अगले 10 से 15 दिन, मतलब वो देखिए जुलाई का महीना खत्म हो गया तो लगभग 15 अगस्त से पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे टीज कर दिया है। और इसकी जो प्राइसिंग होगी, देखिए 19,000 में अभी इस टाइम पे 19,000 चल रहा है M34 5G, वो अमेजोन पे अवेलेबल है और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाले हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा। और इसकी भी प्राइसिंग अराउंड इतनी होने वाली है, थोड़ा 1000-1500 का दोनों में डिफरेंस रहता है और भाई सब कुछ यहाँ पे हमें सेम देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे 19,000 प्राइस है, तो यहाँ पे क्या पता हो सके तो भाई 17-18,000 प्राइस रख दें, और वहाँ पे 6128 मिल रहा है तो यहाँ पे 4128 कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सेम प्राइस रख देंगे तो भाई कोई सेंस बनेगा नहीं। हालांकि ये रख भी सकते हैं, लेकिन आप अपना समझ सकते हो 1000-1500 का हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।